हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 9.1 को हम देख लेते हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए लिया है सब्टेक्ट। इसमें सब्टेक्ट और ये कुछ पार्ट्स दे रखे, 4 या 5 पार्ट हैं, तो हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है -6y² x² फ्रॉम -19y² x², ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्रॉम जो लिखा है उसके बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपके -19y² x² हो गए। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद जो लिखा है वो, तो -6y² और ये x², इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये माइनस के 19y² x² हो गए। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो +6y² और x² हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे y² x² है, यहाँ पे y² x², तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से y² और ये x², ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 19 हो गए और प्लस के 6 हो गए। तो इनको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, माइनस के 13 आते हैं और ये y² ये x² आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपना सेकंड पार्ट इसमें देख लेते हैं यहाँ से। तो ये भी इसमें -1/5 xy² z फ्रॉम 17xy² z, तो फ्रॉम के बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना होता है। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से 17xy² z और माइनस, तो माइनस के लिए लगाया और यहाँ पे फिर क्या हो गया, -1/5 और ये xy² z, ये आपको लिखना है। तो यहाँ से जब आगे जब सोल्व करते हैं तो ये 17xy² और ये xy² z और ये प्लस का क्या हो गया, 1/5 xy² z हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड क्या कर सकते हैं, तो 17 और +1/5, तो इसके अपॉन 1 लिख दिया मैंने और ये xy² और ये z आ गया। तो इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करते हैं तो 5 आता, तो ये 85 आ गया। इसको 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आ गया, और ठीक है। तो ये xy² और ये z आ गया। तो लास्ट में आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 85 + 186/5xy² z, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये अपना सेकेंड वाला पार्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि फ्रॉम के बाद जो लिख रखा है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, तो -p² + 2p और -1/3। फिर माइनस करना है तो यहाँ से p² और -2p और +1/3। अब इसको जब जैसे ही सोल्व करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, तो माइनस का p² हो गया, प्लस का 2p हो गया और माइनस का 1/3 हो गया। अभी ये ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -p² हो जाएगा। अब ये प्लस के 2p हो जाएंगे और माइनस के 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको आगे जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये p² माइनस का और ये भी p² माइनस का, तो माइनस के 2p² हो गए, ठीक है। अब ये 2p प्लस के और 2p प्लस के, तो कितने हो गए, प्लस के 4p हो गए, ठीक है। इसका अभी 1/3 और ये 1/3, तो -1/3 है और -1/3 है। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ये -2p² और +4p, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, एलसीएम इसमें हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये -1 और ये भी -1 आ गया, ठीक है। तो आगे जब सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है, -2p² + 4p, और फिर ये जब आगे जब ये सोल्व करते हैं तो कितना आता है, -2/3 आ जाता है, ठीक है। -1 और -1 कितने हो गए, -2/3 आ जाता है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये अपना थर्ड वाला पार्ट भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम जो लिख रखा है इसके बाद जो लिखा है उसको पहले लिखना है आपको, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3x² + 7y² और -8z² और ये माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए और ये -1 हो गया, ठीक है। तो आगे जब सोल्व करते हैं तो ये 3x² +
सेवन वाई स्क्वेयर माइनस एट जेड स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट से पहले माइनस साइन तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस वन आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो ये छोटा ही क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से देख लेना है इसको। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये फ्रॉम दे रखा है तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग इसमें आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे माइनस थ्री ए माइनस सेवन बी प्लस सिक्स सी और माइनस फोर, और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस साइन हो गया। उसके बाद ये वाला लिखते हैं थ्री ए प्लस सेवन बी माइनस सिक्स सी और प्लस फोर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस थ्री ए और माइनस के सेवन बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का थ्री हो गया और माइनस का सेवन बी हो गया, प्लस का सिक्स सी हो गया और माइनस का फोर हो गया। अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो ए का देख लेते हैं, तो माइनस के थ्री ए हैं और माइनस के थ्री ए हैं, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के सिक्स ए हो गए। अब माइनस के सेवन बी हैं और माइनस के सेवन बी है, तो माइनस के फोर्टीन बी हो गए। अभी सी का देख लेते हैं, तो ये सिक्स सी प्लस का है और सिक्स सी प्लस का, तो ये कितने हो गए, प्लस के ट्वेल्व सी। ए बी सी का हो गया, तो अभी ये इसको देख लेते हैं, माइनस का फोर और ये माइनस का फोर, तो ये कितने हो गए, माइनस के एट हो गए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो ये आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस सिक्स ए स्क्वेयर माइनस फोर्टीन बी प्लस ट्वेल्व सी और माइनस एट, इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको 9.1 एक्सरसाइज को फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।